मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूँ, उस काम में लगा हूँ, उस काम में लगा हूँ। जम्हाई आना, जम्हाई समझते, मुंह खोलकर आप जम्हाई ले। वो कहते हैं कि ये जो जम्हाई आने का समय है इसको कभी भी रोके नहीं, ये कभी भी आएगी। ये कब आती है? जब भी आपके, अब मैं आपका आधुनिक विज्ञान इसमें जोड़ रहा हूं, बागवट जी ने जो कहा वो आपको देर में समझ में आएगा, आधुनिक विज्ञान जल्दी समझ में आ जाएगा। ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा जब भी कम हो जाएगी जम्हाई जरूर आएगी, एक्स्ट्रा ऑक्सीजन लेने के लिए। मुंह खोलकर आप जो है जम्हाई लेंगे तो ये एक्स्ट्रा ऑक्सीजन जाने के लिए है। तो वो कहते हैं कि जम्हाई को कभी ना रोकें। ये जो हम कर लेते हैं ना शर्म आने के लिए, जबरदस्ती मुंह बंद करके जम्हाई लेने की कोशिश करते हैं, बहुत खतरनाक। कभी मत करिए, मुंह खोलिए पूरा, क्योंकि आपके शरीर का आपको आदेश आ रहा है मुंह खोलिए, भरपूर हवा अंदर भरिए तो ही अच्छा है। और बच्चों को भी वैसे ही सिखाइए, इसमें कोई शर्म करने की बात नहीं है, क्योंकि यह प्रकृति की क्रिया है, शरीर को दुरुस्त रखने के लिए है। जम्हाई जरूर लीजिए। और कई बार हम हाथ रख लेते हैं मुंह पे, यह बहुत ही खराब है, क्योंकि वायु को जाने से आप रोक रहे हैं। वो जम्हाई आ रही है ज्यादा ऑक्सीजन के लिए, शरीर में शुद्ध वायु ज्यादा जाए इसके लिए जम्हाई आ रही है, और आपने मुंह पे हाथ रख लिया और फिर जम्हाई ले रहे हैं, ये बहुत खराब। कभी मत करिए, मुंह खोलकर जम्हाई लीजिए। हां, फिर एक बात वो ये कह रहे हैं, यहां पर जैन दर्शन की बात बहुत गहराई से समझ, एक जगह कहते हैं कि आपसे ज्यादा ज्ञानी और आपसे ज्यादा तपस्वी लोगों के नजदीक बैठे हैं तो दूर जाकर जम्हाई लीजिए। माने इसको मैं ऐसे समझाऊं, किसी महाराज साहब के पास बैठे हैं जो दोनों ही स्थिति में आपसे ज्यादा तपस्वी भी हैं और ज्ञानी भी हैं, तो उनके पास बैठ के जम्हाई कभी मत लीजिए। आप उठ जाइए, कहीं दूर कोने में चले जाइए, है हाँ, लेकिन वेग बंद हो तो उसके लिए फिर दूसरा है, वो मजबूरी का है कि जेब से रूमाल निकालिए, कोशिश करिए, क्योंकि आपकी जम्हाई उनको तकलीफ करने वाली है। आप जब, ये तो आप जानते हैं प्रकृति का नियम है कि जितनी ऑक्सीजन लेंगे उतनी कार्बन डाइऑक्साइड तो निकलेगी, नहीं तो स्पेस बनेगा नहीं ऑक्सीजन के लिए। तो आपकी जो कचरा वायु है वो महाराज जी को क्यों दे रहे हैं? क्योंकि आपकी कार्बन डाइऑक्साइड महाराज जी की तुलना में बहुत कचरा है, क्योंकि सब तरह के कुकर्म आप करते हैं।